नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोग कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पद का तैयारी, जिसका एग्जाम आप लोग का अगस्त में दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है और कुछ अपडेट जो निकल करके सामने आ रहा है, आपको हम बताना चाहते हैं कि इसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा और किस वजह से नहीं लिया जाएगा, वो सब कारण को देखते हैं और जानते हैं इस एग्जाम के बारे में कि कब आखिर इसका एग्जाम होगा और आपके तैयारी को कितना और मजबूत करना चाहिए, स्लो करना चाहिए, उस भी चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा यहां पे बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें कई सारे लोग ने अप्लाई किया इस फॉर्म को और एक साल पहले ये फॉर्म निकला था और अभी तक इसका एग्जाम होने का किसी भी तरह कोई भी संभावना नहीं है। और बता दें आपको, सीएसबीसी जो आपका आयोग है वो खुद कंफ्यूज है कि इस एग्जाम को हम कैसे कंडक्ट करवाएं, क्योंकि इंटरनल नोटिस यानी इंटरनल सूचना जो होता है बहुत सारा हम लोग पास आता है, जो कि अभी पता चला वो आपको बताते हैं। इसका एग्जाम कब होगा वो हम चर्चा करेंगे। 19,00,000 लोग इस फॉर्म को भरे थे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 19,00,000 लोग इस फॉर्म को भरे थे करीब करीब, और इस एग्जाम को देंगे कितने लोग, तो 15,00,000 लोग या 14,00,000 लोग ही मानिए इस एग्जाम को देने वाले हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर अदर स्टेट के हैं, वो तो भूल चुके हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म हम भरे भी थे और हमको एग्जाम देने जाना भी है, क्योंकि इसका एग्जाम एक बार हुआ था, कैंसिल हो गया, 1 अक्टूबर को कैंसिल हो गया था। कई सारे लोग आए थे और बोले कि अब इसका एग्जाम हम नहीं देंगे। खैर वो तो अलग बात है, जो 15,00,000 लोग एग्जाम देंगे, 15,00,000 एक बहुत बड़ा संख्या होता है बिहार में खास करके और बिहार के एग्जाम के लिए, इसको कंडक्ट करवाने में, और 15 स्टूडेंट भी अगर गलत निकल जाते हैं तो एग्जाम क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। ठीक है, 15,00,000 में 15 स्टूडेंट भी अगर गलत दिशा में या गलत माइंड से एग्जाम को देने गया, वायरल कर दिया क्वेश्चन, तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। इसको संभालने के लिए आपके सीएसबीसी आयोग की तरफ से क्या तैयारी है, तो आप देखिए, आपको बताया थे कि इसका परीक्षा का जो डेट आया है वो ऑफिशियल भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी है, इसको भी आपको बताएंगे। ऐसे नॉर्मल समझिए आप कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 7 दिन आपके एग्जाम को रखा गया, जो कि बताया गया 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को, 28 अगस्त को और 31 अगस्त को, ये बताया गया था। लेकिन मात्र 7 दिन में ये 15,00,000 लोगों का एग्जाम, और वो भी कहा कि मात्र एक पाली में हम कंडक्ट करवाएंगे इस एग्जाम को, ये थोड़ा सा संदेह है। और उसके बाद आपको बता दें कि ये खुद भी आयोग के द्वारा कुछ चल रहा है मामला कि इसको चेंज किया जा सकता है, ऐसे नोटिस में भी था कि ये संभावित है, यानी कि ये प्रस्तावित है, आपका ये डेट बदला भी जा सकता है सीएसबीसी आयोग के द्वारा, ये जो डेट दिया गया था। तो कोई कंफर्म नहीं है कि इसी डेट में आप लोग का एग्जाम होगा, इसलिए अब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको तैयारी नहीं करना। तैयारी करने के लिए तो आपको बता ही दिए थे कि आपके लिए वीडियो क्लास भी आ चुका है, जैसे देखिए आपको हम फिर से अपडेट कर देते हैं। ये वीडियो क्लास के बारे में आपको हम बताए थे, बिहार पुलिस री एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस री एग्जाम 21,391 पद के लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है। जितने भी नए लोग हैं जो कि अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं कर सकते हैं, ₹249 का नया बैच है, जहां पे अलग अलग टीचर आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होंगे, देख रहे हैं आप टीचर को भी यहां पे, और ये सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज आपका बिहार पुलिस का टोटल सिलेबस को कवर किया जाएगा। और आपके सूचना के लिए बता दें कि प्रैक्टिस सीट भी आपको इसमें करवाया जाएगा, जो कि आप देखेंगे डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस सेट और क्विज भी होगा, जो कि आपका 15 मई से यह स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कब से, ये 15 मई से आपका स्टार्ट हो चुका है, यहां पे जाकर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि मात्र यहाँ पे ₹249 में आप पढ़ सकते हैं इसको। 15 मई से शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, टोटल वीडियो जो छूटा है वो भी रिकॉर्डेड रखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सोमवार से शनिवार 8 से 10 आपका क्लास चलेगा, वैलिडिटी है जब तक कि एग्जाम आपका नहीं होता है, ऐसा नहीं कि अगस्त तक ही है एग्जाम, अगर नहीं होगा तो ये वीडियो बंद हो जाएगा, नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पढ़ाई इस पे कराया जाएगा, तो ये चीज समझ में आया। उसके बाद बात करें कि इसका ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये शिक्षा पथ की तरफ से लाया गया है, ये प्ले स्टोर पे जाकर के आप शिक्षा पथ सर्च मारिएगा, या आप मेरे टेलीग्राम, ये मेरे नीचे मतलब कि आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में अगर आप देखते हैं जाके वीडियो के नीचे में, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाना। ठीक है, और इसमें क्या क्या अपडेट है वो जानते हैं, जैसे कि आपका इसका बैच हो गया वीडियो का, अगर आप इस वीडियो बैच के अलावा सिर्फ PDF ही खरीदना चाहते हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चंस का, वो भी आप ₹49 में खरीद सकते हैं एप्लीकेशन में जाने के बाद। तो उसका पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, या खुद भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं शिक्षा पथ का, ये प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, वो कर लेंगे, वहां पे PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या बैच भी,
फायदा यह है कि अगर बैच आप लेते हैं 249 का तो वो पीडीएफ जो है वो आपको फ्री इसमें हो जाता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ आप 49 रुपये का बाय करेंगे ये उसमें फ्री है, लेकिन अलग से आप बाय करना चाहते हैं इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, स्पेशल टीचर के द्वारा तैयार किया हुआ टोटल 2500+ वीवीआई क्वेश्चन है, पिछली बार से अधिक क्वेश्चन लड़ेगा ये बताया गया। नोट्स डाउनलोड करने के लिए शिक्षा पथ प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और कॉन्टैक्ट के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए स्पेशल, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जानकारी था आपको दे दिए हम, बाकी आप इस पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप फोन करके जान भी सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल चीज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए, इंक्वायरी के लिए कॉल करिए। पीडीएफ साथ साथ वीडियो क्लास रिकॉर्डेड वीडियो सब आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। टारगेट नोट्स भी है 49 रुपया में, तो ये सब आपको जानकारी दे दी। जिस भी तरह का आपका मन है, मतलब अगर आपको क्लास करने का मन है ना एप्लीकेशन पे, तो आप इसके ऐप को डाउनलोड करिए, 249 का एडमिशन लीजिए वहां पे। नहीं तो 49 का अगर पीडीएफ ही चाहिए तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए, 49 रुपये का पीडीएफ का आप लोग बाय करिए। सब ऑप्शन आपके पास है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए ऐप का, डाउनलोड करके वहां पे चेकआउट करिए, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं अपने बिंदु पे। तो ये अपडेट आपको देना था, दे भी दिए थे आपको, और इस पर संशय एक और चीज से बन रहा है आपके एग्जाम पर। अब एग्जाम पर आइए, एग्जाम पर आपका संशय एक और चीज से बन रहा है। देखिए अभी तक एक चीज और एग्जाम में किया गया, आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपका CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे 3/10/2023 के बाद कोई भी नया नोटिस यहाँ पे नहीं लगाया गया है। यानी कि जो भी अपडेट आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट को चाहिए ना कि अपने वेबसाइट पे दे, ताकि कैंडिडेट अपडेट हो पाए एग्जाम को लेकर के, चाहे एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ भी, लेकिन नहीं दिया गया, अभी तक भी नहीं दिया गया, और अभी दिया भी नहीं जाएगा, संभावना भी नहीं है। तो इसी सब कारणों से हमें लग रहा है कि जिस डेट में, मतलब और सब तो यहाँ नोटिस दिया गया पहले का, लेकिन 2023 के बाद यहाँ पे अपडेट नहीं है। इसी सब कारणों से आपको हम बताएं कि आपका जो एग्जाम है बिहार पुलिस का 2024 में री एग्जाम, वो कंडक्ट शायद नहीं करवाया जाएगा इस डेट में, और तो किस डेट में करवाया जाएगा। अगस्त का अगर समय आपका आयोग दे दिया है, बिहार पुलिस CSBC अगर अगस्त का समय दे दिया है, तो आपका एग्जाम करीब करीब सितंबर तक करवाया जाएगा। अक्टूबर भी जा सकता है, आप मेरे बात को याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर भी जा सकता है। तो इस एग्जाम के लिए आपको करना क्या है, ठीक है, डेट आपके पास आ गया है, एक पाली में इतना 15 लाख लोगों का एग्जाम करवाना शायद संभव नहीं है बिहार में, है ना, वैसा। और उसके बाद क्या किया गया है कि बहुत अच्छा अच्छा सेंटर को चुना जाएगा, मतलब कि जो विवादित नहीं है, वो भी आपके नोटिस में कहा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके नोटिस में यहाँ कहा गया था कि यहाँ पे वैसे विद्यालय महाविद्यालय जो पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा। तो एकदम खास खास महाविद्यालय, विद्यालय इसके लिए खास तो खुलेगा नहीं नया, है ना, उसी में लेगा जहां से पहले एग्जाम लेता था। तो इसी कारणों से आपको बताया कि वैसा संभव नहीं है, और उसके बाद ये एग्जाम जो होगा आपका 100 क्वेश्चन पे होने वाला है, 2 घंटा का आपको समय मिलने वाला है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका फायदा उठाना है, सभी क्वेश्चन पे टिक लगाना है, और मेरा तुक्का का वीडियो का इंतजार करना है, बिहार पुलिस में तुक्का कैसे लगाएं उस पर भी वीडियो बनेगा, और शानदार वीडियो होगा, हमेशा फायदा हुआ है, लेकिन इस बार हम YouTube पे डालने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, और आपको भी फायदा मिलेगा। उसका इंतजार करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब मतलब दबा के करिए, और इस वीडियो को, और आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, बस आपको वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो क्लास के बारे में आपको बता ही दिए, एग्जाम जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इस एग्जाम में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन कट ऑफ में आना है, कट ऑफ में नहीं आइएगा तो दिक्कत होगा, मतलब कि इसमें कट ऑफ जारी किया जाएगा, लगभग 70-75 आपका कट ऑफ भी जाने वाला है तो उसमें, लेकिन इसका मेरिट जो बनेगा आपका फिजिकल के अनुसार बनेगा, तो फिजिकल भी धीरे धीरे करते रहिए, एकदम से मत छोड़िए, मतलब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं लगना है, फिजिकल भी धीरे धीरे ध्यान देना है, ठीक है। मेरा जहां तक अंदाजा था, जो नोटिस मिलता है, सूचना मिलता है, आपको अपडेट करने का हम प्रयास करते हैं, कि ये एग्जाम डेट मेरे अनुसार अभी सही नहीं लग रहा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी अपडेट नहीं किया गया, और इंटरनल नोटिस के द्वारा भी पता चल रहा है कि इस एग्जाम डेट को बदला जा सकता है, मतलब या अक्टूबर तक भी लिया जा सकता है। उसके बाद आपको हम और बताएंगे, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा आपको हम और अपडेट करेंगे, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आपको बता दिए कब होगा, बाकी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मतलब ये नहीं था, ये इंटरनल ही वायरल हुआ था अंदरूनी, ये होता है इसलिए कि सतर्क होने के लिए, ठीक है, ये नोटिस होता है सतर्क होने के लिए कि इस समय में एग्जाम कराना प्रस्तावित हो सकता है, मतलब करा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिशा और दशा हमें लगने रहा है, इस कारण से आपको बताया, ये न्यू नोटिस था जो इंटरनल था, यही अभी तक का अपडेट है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 7/8/2024, 11/18/21, 25/28/31 को एग्जाम
वो भी एक पाली में कराने के लिए बोला गया, जो कि शायद संभव नहीं, और एग्जाम भी आपका होगा तो दोनों पाली में होगा जब भी होगा, ठीक है। इसके लिए अपडेट नोटिस आएगा तो आपको हम फिर से अपडेट करेंगे। अभी तक का इतना ही था तो आपको अपडेट कर दिए ताकि आपके दिमाग में रहे, तैयारी को कम नहीं करना है, पढ़ाई को कम नहीं करना है, और जो आपको लिंक दिए ऐप वगैरह का उसको जाकर चेकआउट करिए, अगर आपके लिए है, आपके लिए फायदेमंद है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उससे फायदा आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है, 249 रुपये में। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले हम बताएंगे, अभी तक का जो था वो आपको बताए। अब अपने तरीके से आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्या लगता है आपके पास क्या अपडेट है आप जरूर नीचे बताइए, उस पर भी विचार किया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।